बारे में। समिति द्वारा हर मैच में यह सुनील जयपाल जयलाल बड़ी अच्छी चेयर लगाएगी देखने लायक बहुत बढ़िया मैच। आज तो जी सारे मैच काटे गए हुए हैं हेलो टीम आगे जी मैच रुक लाओ। खेल कमेटी का पूरा अनुरोध है फाइनल 5:30 बजे होना चाहिए। जल्दी मैच को शुरू किया जाए। निजामपुर दिल्ली टीम तैयार हिनाना ए हिनाना स्कूल ए तैयार। मैच को शुरू किया जाए मैच को शुरू किया जाए। दैया साहब शुरू करो जी शुरू करो। सीधी सीधी 12-12 मिनट का समय दिया जा रहा हर मैच में। और यह सुनील जयपाल जागलान परिवार का पुत्र कलकत्ता टीम का योद्धा गांव नौखा जिला पानीपत खड़े 13 नंबर दारदा जनपुर खड़े भाई योगेश नानी आपको याद कर रहे हैं। सदेश पर पहुंचिए बड़ी अच्छी चेयर लगाई देखने लायक राइट कॉर्नर ने कमाल कर दिया बहुत बढ़िया कैच। आखिरी 3 मिनट मैदान नंबर 1 पर रानीला तैयार है। जो जिन इनमें से जीतेगा यही मैच होगा। गागनपुर जीतेगा गागनपुर वर्सी रानीला नोखा जीतेगा नोखा वर्सी रानीला यानी रानीला तो तैयार रहे ही रहे। बहुत बढ़िया मैच आज तो जी सारे मैच काटे गए हुए हैं। कराने इतिहास रच दिया हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर दिल्ली प्रदेश के कोने कोने में जाके सभी टीमों को बुलाया सबका मान सम्मान किया और सुबह से अब तक लगातार टॉप क्लास के मैच चले हुए सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पर है। भाई मैं कोच साहबों का सभी कोचों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुबह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे खाना खाए बगैर चाय पिए बगैर एक जुए में जोत रखे सुबह से लेकर से अब तक बहुत बहुत धन्यवाद है कोच साहब उनका। मैं आपकी मदद करता हूँ अंकुश नरवाल थर्ड पर है नोखा के पारे में एक पॉइंट और मिलेगा दादरपुर जिला झज्जर को। दोनों टीमें लाइन में पहुंच जाए मैदान नंबर 2 की। हमारे मेहमान पहुंच रहे हैं ताली बजाओ के खिलाड़ियों मेहमान के लिए। जो मेहमान होते हैं वो दिल से प्यारे होते हैं ताली बजाओ। योगेश रानी नरसिंह फौजी मोनू ठेकेदार पपड़िया मैदान नंबर 1 का मैच समाप्त होगा। कौन जीता जी और कौन जीता जी बताओ एक बार। हाँ जी कौन जीता दादरपुर दिल्ली टीम आ जाए रानीला और दादरपुर